हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली डिवीजन में जो एग्ज़ाम लिया गया जेई पीवे का 2/6/2024 का एग्ज़ाम लिया गया था, उसी का क्वेश्चन पेपर करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। शुरू में जो चार क्वेश्चन पूछे गया था वो थोड़ा टफ क्वेश्चन था। रेल पहिया परस्पर के कारण इन वाइब्रेशन के कारण इनमें से कौन सा जो है परिणाम स्वरूप उत्पन्न नहीं होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए थे। चार ऑप्शन में जो आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन था, यह गिट्टी को सम्मित करता है जो लंबी अवधि की ट्रैक संरचना को मजबूत करता है, ये यहाँ पर नहीं होगा, यानी ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ही आपका राइट आंसर था। और यहाँ पर दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि नोट फंक्शन ऑफ ट्रैक फास्टनिंग सिस्टम, फास्टनिंग सिस्टम में कौन सा फंक्शन ऑफ ट्रैक नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो चार जो है रेल में अवशिष्ट परिवर्तन के बेहतर विनियता के लिए विद्युत चालकता प्रदान करना, तो इससे विद्युत से कोई इससे रिलेटेड नहीं है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्टेड फॉर जीरो रेजिस्टेंस फास्टनिंग सिस्टम। तो इसमें से फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन था जेड आर एफ असेंबली ऑन स्टील चैनल और एच बीम स्लीपर यूजर इलास्टिक रेल क्लिप मैक 3, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन से ही नहीं पता चल रहा है। पाँचवें नंबर क्वेश्चन है कि ईआरसी मैक 3 और 5 का वजन जो लगभग कितना होता है। देखिए, मैक 3 का जो वेट होता है 0.91 होता है और जो 5 का वजन होता है 1.08 होता है। इसमें से लगभग वजन पूछा गया है, तो लगभग वजन 1 kg के आसपास ही दोनों का होता है, तो 1 kg यहाँ पर राइट आंसर किया जाएगा। ये आपको एनएक्चर 2/4 देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा मैनुअल का। छठे नंबर क्वेश्चन, ईआरसी मार्क 3 और 5 का टोलोड कितना होता है। तो मार्क 3 का जो होता है 850 से 1100 होता है और 1200 से 1500 मैक 5 का होता है। ये भी आपको जो जब एनएक्चर 2/4 पढ़ेंगे या मैनुअल के वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सातवें नंबर क्वेश्चन है कि थ्रू फास्टनिंग नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव तब शुरू किया जाना चाहिए जब। यहाँ पे देखिए, चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन जो है आपको मैच नहीं कर रहा, इसलिए उपरोक्त में से नहीं हो जाएगा। आपको ये कहाँ मिलेगा, तो पैराग्राफ 628 जब मैनुअल में ढूंढेंगे वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं पैराग्राफ में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप मैनुअल को खुद जाके पढ़ के डिटेल से संतुष्ट हो सकें। आठवें नंबर क्वेश्चन है कि एक मिश्रित रबर पैड में क्या होता है। तो आठवें नंबर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी टॉप लेयर इज हार्ड एंड बॉटम इज सॉफ्ट, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये भी मैनुअल में मिलेगा, पैराग्राफ 210 के 3 में खोजेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। नाइन नंबर क्वेश्चन है सम ऑफ द कॉमनली यूज GRSP एंड ड्रॉइंग नो आर, यानी जो है कौन सा जो है कुछ समान रूप से उपयोग किए जाने वाला GRSP और उनके ड्रॉइंग नंबर का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी कि 37/11 जो होता है 37/03/52 स्लीपर के लिए प्रयोग होता है और 37/11 जो 6 mm GRSP फॉर 52/60 kg रेल एंड 60 kg स्लीपर के लिए, ये भी आपको एनएक्चर 2/4 में पढ़ने के लिए मिलेगा। दसवें नंबर क्वेश्चन है कि GFN का मतलब क्या होता है। GFN का फुल फॉर्म ही समझ लीजिए, तो GFN का जो फुल फॉर्म होता है ग्लास फिलेड नैलून, यानी ट्रैक सर्किट, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है FTC और NFTC देखते होंगे, नया वाला स्लीपर लगता होगा उसमें देखते होंगे कि लिखा हुआ रहता है, पुराने वाला मिट जाता है, तो ये स्लीपर पे PRC स्लीपर PSC स्लीपर पे लिखा रहता है, तो 11 का सी नंबर लीजिए। ये भी आपको मैनुअल पैराग्राफ 208 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 12 नंबर, विशेष स्पेशल श्रेणी का जो TBU होता है, तो स्पेशल 50,000 से जो है वो होता है स्पेशल श्रेणी में चल रहा है। यहाँ पे 13 नंबर है सबसे बाहरी सिग्नल से परे LC का संचालन और रख रखाव। यहाँ पे देखिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात किया गया है आउटर मोस्ट सिग्नल में। आउटर मोस्ट सिग्नल का यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, तो 13 के बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, आपको पैराग्राफ 900 यहाँ पर लिख लीजिए, पैराग्राफ 909/2 ये मैनुअल में निकाल लीजिए और वहाँ पे पढ़ लीजिए, डिटेल आपको ही पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गेट कीपर को जारी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता जो है कितने दिन के लिए होता है। तो 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको जो है चैप्टर नंबर 14 में पैराग्राफ देखिए एनेक्चर 14/2 में आपको डिटेल मिलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हाइट गेज फ्रॉम द गेट पोस्ट, गेट पोस्ट का जो है यहाँ पे 8 मीटर राइट आंसर हो जाएगा हाइट होता है। ये आपको पैराग्राफ 910 के 5 में पढ़ने के लिए मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि द रजिस्टर विद द गेटमैन सेल चेक्ड बाय JEE SSC के द्वारा कितने दिनों में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वंस इन अ मंथ रोटेशन बेस पर जो है गेट का द्वारा किया जाता है, तो उसी में चेक किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क की सतह से ऊंचाई गेज की अधिकतम ऊंचाई जो होती है कितना होती है। देखिए, 4.78 होता है,
तो यहाँ पे जो है 4.7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो करेक्शन स्लिप आपका ACTM आया था 2020 में गेट से रिलेटेड, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्पीड ब्रेकर अप्रोच लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग का जो स्पीड ब्रेक का हुआ वो हो जाएगा यहाँ पे 125 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको एनेक्चर 9/15 पढ़ेंगे, देखिए 9/15 जब मैनुअल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से इमेज के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ टंगरेल पूरा सिर प्राप्त कर लेता है, यानी कि पूरा मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है, जंक्शन ऑफ हेड, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर क्वेश्चन है कि TWR डिजाइनेड, यहाँ पे देखिए थरो ऑप्शन में दिया गया है, डिजाइन वैल्यू नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे 160mm थरो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इन गैपलेस जॉइंट डायमीटर ऑफ रेल, तो 26.5 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अंतराल रही जोर में रेल के सिरे से पहले और दूसरे बॉल्ट के छेद की दूरी, तो पहले सिरे कितना हो जाएगा 83mm पे होता है और दूसरा 166mm बाद, यानी कि 166 इस बीच का गैप होगा, उसके बाद 249 यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1:12 आकार के फैनशेप टर्नआउट के लिए स्लीपर का सेट जो है कितना होता है, 83 नंबरिंग स्लीपर होता है प्लस 13 विदाउट नंबरिंग स्लीपर 1S 2S करके जो रहता है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 96। 24 नंबर क्वेश्चन कि राजभाषा की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में उपलब्ध है, तो भाग जो है 17 में राजभाषा से संबंधित है, तो भाग 17 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य में धारा 6/7 राजभाषा अधिनियम 1963 लागू नहीं होता है, तो यहाँ पे धारा 6/7 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है, तो जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा, अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किन किन राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, देखिए राज्य की बात हो रही है और जम्मू कश्मीर अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गई है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन बोर्ड के द्वारा सही किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना और बिहार में द्वितीय राजभाषा उर्दू है, लेकिन यहाँ पे राज्य की दृष्टि से यदि हम सही करें तो तेलंगाना और बिहार राइट आंसर हो जाएगा। यदि यूनियन टेरेटरी यहाँ पे तो क्लियर दिया गया नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी हो गया है, यदि बोर्ड हमें लगता है कि वो जम्मू कश्मीर सही कर सकता है, ऑपोजिशन कर सकते हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जो है सूचीबद्ध है, तो टोटल जो है 22 भाषाएं सूचीबद्ध है, 22 राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा नियम कब पारित हुआ था, 1976 में राजभाषा रूल पास हुआ और एक्ट 63 में पास हुआ था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे प्रबोध हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मिनिस्ट्रियल के लिए अलग है परवीन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री केंद्रीय हिंदी समिति का होता है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए सीरीज में नहीं दिया गया, यानी कि पूछा गया कि नाम पदनाम और साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा, तो प्रदर्शित यहाँ पे तीनों होता है, यानी कि जो आपका रीजनल लैंग्वेज होता है, रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश तीनों होता है, तो यहाँ पे सीरीज में इसका जो है देना चाहिए था, जबकि यहाँ पे सीरीज नहीं दिया गया, इसमें इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो मंडल में जो होता है DRM होता है और जोनल में GM होता है। हिंदी कहानी उपन्यास लेखक, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा मंडल प्रबंधक हो जाएगा। उपन्यास और कहानी पर कौन सा पुरस्कार, तो प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन डायमंड जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला को प्रस्तुत, यानी उसकी वाइफ को प्रस्तुत किया था, तो सूरत के फैक्ट्री में बना हुआ यानी था, तो सूरत गुजरात में, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ व्हिच द इंक्लूड्स लोअर टैरिफ ड्यूरिंग द डे टाइम एंड हाइयर रेस्ट ड्यूरिंग द पीक आवर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डिफरेंट टाइम बेस्ड टैरिफ, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुर्खियों में रहने वाला राजीव गावा भारत के किस पद पर है, तो कैबिनेट सचिव था राजीव गावा, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए AI आधारित ऐप का नाम क्या था, तो अनुबंधनी ऐप था, यानी ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 37 का।
38 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट्स गिव्स हिज रीजनल, यानी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। तो यहाँ पे उपाध्यक्ष हिंदी में लिखा है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम अवधि की राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप नियुक्त किया जा सकता है, तो 6 महीने किया जा सकता है। सब नॉर्मल जीके था, आप लोग आराम से मार दिए होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो लोकसभा के प्रति होता है, यानी कि हाउस ऑफ द पीपुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक एसएससी जेईपी में जो प्रभारी नहीं है, इंचार्ज नहीं है, के रूप में उसके पूरे अधिकार क्षेत्र का जो निरीक्षण है उसके द्वारा कितने महीनों में किया जाना चाहिए। आप लोग मैनुअल में पढ़े होंगे कि 110 से अधिक गति वाले रूट पे, यानी मल्टीपल लाइन पे रूट बेस के अकॉर्डिंग पढ़े होंगे। मैंने टेस्ट सीरीज में रूट विदाउट रूट बेस के अकॉर्डिंग भी करवाया हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट रेलवे के क्वेश्चन बैंक से भी कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक्चुअल में तो इस तरह से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन कहाँ पूछे गए हैं, या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इन 6 महीने हो जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि एज एस एस सी जेईपी में इंचार्ज पुस्ट ऑल इंस्पेक्शन ऑफ इज इंटायर जुडिशियल पीएससी स्लीपर शुड बी कैरिड आउट वंस इन 10 मंथ, यानी कि इंचार्ज का पूछा गया, तो यहाँ पे 1 महीने हो जाएगा। यदि आप लोग ज़्यादातर मात्रा में ऑब्जेक्शन करते हैं तो क्वेश्चन को गलत करवाया जाएगा, यदि उसको लगेगा गलत है। लेकिन क्वेश्चन बैंक में इस तरह से रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, और अभी भी क्वेश्चन बैंक में आपको मैं प्रूफ के तौर पर दिखाता हूँ। 43 नंबर क्वेश्चन, अभी तो देखिए डिग्री ऑफ कर्व पे डिवाइड किया गया है रूट का, कर्व का इंस्पेक्शन करना, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ए रूट का पूछा गया, यानी कर्व इज इंस्पेक्टेड वंस इन 10 मंथ इन ए रूट विद ए पीएससी स्लीपर बाय जेएसएससीपी पे रोटेशन बेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का, यहाँ पे 6 महीने हो जाएगा। ये देखिए साउथ ईस्टर्न का जो क्वेश्चन बैंक है रेलवे का, यहाँ पे देखेंगे तो शुरू का जो ऊपर का जो है 3 क्वेश्चन जो मैंने तीनों बताए, यही तीनों क्वेश्चन पूछेंगे, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से जो है लगभग 6-7 क्वेश्चन उठाया जो मैंने टेस्ट सीरीज में आपको करवाया था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर है, यानी जेईएसएससीपी में नोट इंचार्ज फूड इंस्पेक्शन इंटर जुडिशियल, यहाँ पे 6 महीने में दिया गया है। यहाँ पे देखिए जेईएसएससी इंचार्ज ट्रॉली इंस्पेक्शन पीएससी स्लीपर 1 महीने में दिया गया है, और यहाँ पे देखिए कर्व वंस इन 10 मंथ ए रूट विथ पीएससी स्लीपर, यहाँ पे 6 महीने में। आप लोग कन्फर्म हो गए कि ये मेरा नहीं, ये ओरिजिनल जो है ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है साउथ ईस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे ऑलरेडी डाला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर, शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन मानसून पेट्रोलिंग बाय द ट्रेन वंस इन डैश फॉर जेई सेक्शनल पीवे के लिए पूछा गया है। इसका फोर्टनाइट यानी 15 दिन में हो जाएगा। आप जो है इसे जब ढूंढेंगे तो पैराग्राफ 1004 के 9 में आप ढूंढिए, वहाँ पर आपको क्लियर मिलेगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि फास्टिंग ऑफ एटलीस्ट डैश स्लीपर ऑन आइदर साइड शुड बी मेड फ्री बिफोर द वेल्डिंग इन द ट्रैक। 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 5 स्लीपर हो जाएगा। ये पैराग्राफ आपको 345 के 5 में मिलेगा, 345 के 5 खोलेंगे तो वहाँ मैनुअल में डिक्लेयर पढ़ने के लिए मिलेगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि लेवल क्रॉसिंग पर न्यूनतम चेक रेल क्लियरेंस जो है कितना होना चाहिए, तो लेवल क्रॉसिंग पर 51 mm हो जाएगा राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि डीप स्क्रीनिंग डेस्क के कार्य के अंतर्गत आती है, तो डीप स्क्रीनिंग जो आएगी लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क आ जाएगी, यानी 47 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये आपको पैराग्राफ 805 में मिल जाएगा। मैं टेस्ट सीरीज में ऑल सॉल्यूशन जो है डाला हूँ, जिसमें जो है आपको पैराग्राफ सॉल्यूशन सब दिए हुए हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि स्पीड इंडिकेटर जो है रेल स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है, स्पीड इंडिकेटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ये आप जब पैराग्राफ एनेक्चर जो है 8x4 खोलेंगे मैनुअल में, वहाँ पे मिलेगा इमेज के साथ। 49 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्ट्रेसिंग के दौरान प्रत्येक स्लीपर डैश स्लीपर पर जो रोलर लगाए जाते हैं, तो रोलर देखिए 49 यानी कि 15 स्लीपर पर लगाए जाते हैं, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको पैराग्राफ 340 के 6 हो जाएंगे निकालेंगे, तो वहाँ पर आपको क्लियर पढ़ने के लिए मिलेगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि LWR ट्रैक के लिए स्लीपर के शीर्ष से ऊपर शोल्डर गिट्टी को 10 mm से अधिक ढेर किया जाएगा। ये भी साउथ ईस्टर्न रेलवे में दिया गया है क्वेश्चन बैंक में, जो 100 mm, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड वीडियो में करवाऊँ जिसमें 110 क्वेश्चन जो पूरा करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखें।